है कि अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज और परिवार पर कर्ज का जो बोझ था, उस कर्ज से परिवार को उबारने के लिए सुकेंदर बेंगलोर जा रहा था और इस बड़े हादसे में उसकी जान चली गई। वह कहीं ना कहीं मौत ने उस बच्चे को, 19 वर्षीय सुकेंदर को गले लगा ली। से गरीब इस गांव में और कोई आदमी नहीं था, जितना ही लाचार था। भाड़ा के लिए बेंगलोर जाने के लिए किराया पर सूद पर पैसा लेके जा रहा। बोला जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद हम कमा के कुछ पैसा चुकता कर देंगे, फिर पढ़ेंगे। चल लिए भाई खत्म। इकलौता भाई था आपका? हाँ, एक ही भाई। क्यों जा रहा था वो बंगलोर इस बार परीक्षा दिया था? तो कमाने जाता है, कार्य करते हैं, तो हमरा के ससुराल में रहते। कर्ज हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, जामताड़ा में कल देर शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। अंग एक्सप्रेस में सवार कुछ यात्री कुछ अफवाहों की वजह से ट्रेन में भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद अफरा तफरी में जो रेल के यात्री थे, रेल में सवार जो यात्री थे, ट्रेन में जो सवार यात्री थे, वो आनन फानन में आपाधापी में जो रेलवे ट्रैक था उसमें कूद पड़े, जिसके बाद उसी दिशा से आ रही झाझा आसनसोल मेमू पैसेंजर की चपेट में आने से कुल 12 लोगों के मौत हो जाने की बात बताई जा रही थी। हालांकि रेलवे ने अब तक 2 लोगों के मौत की ही पुष्टि की है और 2 लोगों के शव को बरामद करने की बात रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं। तो बता दें कि इस वक्त इस घटनाक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत छापा पंचायत के धपरी गाँव में इस वक्त मौजूद है और तस्वीर देख सकते हैं, ये जो तमाम भीड़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदर उर्फ सुकेंदर कुमार के घर के पास। अधिक लाल यादव जो छापा पंचायत अंतर्गत धपरी गांव के निवासी है, उनके पुत्र हैं और लगातार कर्ज में डूबे होने के बाद जो सुकेंदर था वो इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया था और उसके बाद अपने माँ बाप को कर्ज में डूबा देख वो लड़का यहाँ से बेंगलोर की ओर पलायन कर रहा था। सुकेंदर की तीनों बहन उससे बड़ी है और सुकेंदर अपने परिवार का एकमात्र बेटा है और लगातार कर्ज में डूबे होने के बाद बताया जा रहा है, उसकी माँ ने भी बताया, उसकी बहन ने भी बताया और खास तौर पर यहाँ पे जो ग्रामीण है उन लोगों ने बताया है कि ये पूरे पंचायत का एकमात्र निहायती गरीब परिवार है जिसको किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ जो है अब तक यहाँ पर नहीं मिल पाया। और तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम भीड़ इस वक्त मौजूद है, तमाम ग्रामीण मौजूद है, ग्रामीणों की संवेदना जो है वो सुकेंदर के परिवार के साथ है, चूंकि सुकेंदर अपने परिवार का एकमात्र भरण पोषण करने वाला लड़का था और उसके पिता फिलहाल जो है कुछ नहीं करता है, जिसके बाद तीनों बहन की शादी कर्ज में हुई और उस कर्ज से निकालने के लिए, अपने परिवार को निकालने के लिए और बिजली विभाग में दबे कर्ज से भी खुद के परिवार को निकालने के लिए वो लड़का जो है बेंगलोर जा रहा था और मौत जो है कहीं ना कहीं मौत ने उस बच्चे को, 19 वर्षीय सुकेंदर को गले लगा लिया। विनोद कुमार, आप कौन है? हम उनका भगना है। ये घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली? क्या करने के लिए जा रहा था वो? अपना जैसे पढ़ाई करता था, आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण वो घर से बाहर चला गया। मतलब खाने का भी प्रॉब्लम होता था तो पढ़ाई कहाँ से करेगा, इधर उधर से पैसा लेके, मतलब सूद पे पैसा लिया इधर उधर से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उनके साथ। एग्जाम देने के बाद वो बाहर कमाने के लिए चला गया। कब दिया था एग्जाम? एग्जाम यही 10th का दिया था। हाँ, इसी बार दिया तो था। ये क्या मतलब, बेंगलोर जा रहा था तो कमाने के लिए जा रहा? हाँ, कमाने के लिए। मृतक जो रेलवे के जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि ये लोग रेल यात्री नहीं थे, क्या उनके पास टिकट थी? आपके जो भगना थे सिकंदर, उनके पास टिकट था? हाँ, टिकट था। कैसे साबित करेंगे ये? उनके पास कंफर्म टिकट नहीं था, लेकिन ये वो फाइन करके, टीटी फाइन करके दिया था उनका पैकेट में। हाँ, एक आदमी का कंफर्म टिकट था और दूसरा आदमी का डबल आदमी का बैटिंग टिकट था, जैसे टीटी से बनवाया था, तो ये सेम ही टिकट था और आधार भी पैकेट में था। मतलब हाँ, टिकट उन्होंने फाइन देकर बनवाया? हाँ, बनवाया था, उसका पैकेट में ही था। तो ये बात कब पता चली कि टिकट उन्होंने फाइन देकर बनवाया? कल आपको कब पता चला? शाम में ही कॉल किया था। शाम में कॉल? हाँ, जब बनवाने लगा तो कॉल करके बोला कि बनवा लेते हैं। कहाँ उस वक्त वो? कहाँ? जसीडी में। सीमा देवी। पिताजी का नाम? अधिक लाल जाद। अच्छा, ये भाई का क्या नाम था? सुकेंदर। क्या घटना घटी? घटना के बारे में पता चला आपको? हम चलो अब चल लिए भाई खत्म।
इकलौता भाई था आपका? हाँ, एक ही भाई। क्यों जा रहा था वो बंगलोर इस बार परीक्षा दिया था? तो कमाना जाता है, कार्या करते ना, तो हमारे ससुराल में रहते। गौरव जी, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से सुखेंदर का जो ट्रेन हादसे में जो मौत हुई है, बेहद दुखद है। और लगातार हम जामताड़ा से उनके लोगों से संपर्क में थे, और सरकारी तौर पर ये कहें कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं, कि आप लोग की आवाज सरकार तक पहुंचती है, तो हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार जो है इस गरीब परिवार को भरसक प्रयास करे कि मुआवजा देने का तत्काल काम करे, ताकि गरीब को सहारा मिल सके। हम तो खास करके जमुई में थे। जमुई से आने के बाद आप ही लोग के भाई बंधु से ये जानकारी मिली। खास करके सबसे पहले हर्ष जी आप फोन किए थे कि भैया पता कीजिए थोड़ा सा, एक सूचना हमें आई है कि धपरी गांव के जो सिकंदर यादव, पिता अधिकलाल यादव, कहीं गए थे क्या, थोड़ा बाहर जा कर के कुछ कमा उमा लेंगे तो कुछ बोझ जो है सो पिताजी का घटेगा। इस सब को लेकर के उसने यहाँ से रवाना हो गया, और आप लोग के जरिए पता चला। ये बहुत ही दुखद घटना है, और आज पूरे पंचायत वासियों में ये सदमा का माहौल है। इतना मतलब इस तरह की घटना भगवान ना करे किसी के ऊपर इस तरह का घटना हो। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण जो है वो कह रहे हैं कि ये परिवार जो है ये पूरे पंचायत का एकमात्र सबसे ज्यादा निहायती गरीब परिवार है, और बिल्कुल कर्ज से दबा हुआ है, जिसकी वजह से इस लड़के को जाना पड़ा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ बाप का बात सुनते सुनते, जैसे अब घर परिवार में बैठ के बात होती ही है, उसी दरमियान में माँ पिताजी का बात सुन करके कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया, इतना हम कर्ज ले चुके हैं बेटी के शादी में, और इवन इधर जो है सो बिजली बिल चुकाने में ये सब को लेकर के कर्ज ले चुका था, और इतना ही गरीब है, समझ लीजिए कि उसको उस बॉडी को लाने का बेचारे के पास पैसा नहीं है। उस बेचारे के पास बॉडी लाने का पैसा नहीं है, और जब हमको ये सूचना मिला कि बॉडी कैसे आएगा, तो हमने तुरंत कहा कि बॉडी को लाने में जो खर्च लगेगा हम वहन करेंगे, बॉडी को यहाँ मंगवाइए। अब बॉडी को मंगवा रहे हैं, और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस बेचारे लड़का को आत्मा की शांति मिले। गवाह है, हम गवाह हैं कि ये लड़का 2 दिन पहले यहाँ एग्जाम दिया है, और कल के डेट में घर से निकला है बेंगलोर के लिए, और उसने यहाँ से गया है, उसके साथ जो भी 2 लड़का है वो लड़का भी टिकट दिखा रहा है, जबकि इसका लग रहा है कि रेलवे जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। धपरी है सर। नाम क्या बताया? चुन्नी लाल यादव। क्या कहना चाह रहे? इससे गरीब इस गांव में और कोई आदमी नहीं था, जितना ये लाचार था। भाड़ा के लिए बेंगलोर जाने के लिए किराया पर वो सूद पर पैसा लेके जा रहा था, किराया अपना, ये सोच सकते हैं। टिकट के लिए भी? हाँ हाँ, कर्ज पे लिए, ब्याज पे लेके जा रहा था, वो भी मौसी उसको ला के दिया कर्ज पे पैसा। तो लड़का कैसा था? लड़का बहुत ऐसा इंसान तो बोले ना, गाँव में पहली बार हम देखे, बिल्कुल सीधा साधा था। तो कहीं ना कहीं कर्ज के तले ये लोग दबे थे जी सर। वो जो सुकंदर था वो कमाने के लिए जा हाँ जा रहा था, जैसे कर्ज अपना पिताजी बीमार रहा था, उसके दवाई सुई के लिए अपना पैसा नहीं था, उसके लिए जा रहा था। उसके बाद कर्ज आखिर हुआ क्या? जैसे पिताजी बीमार रहता है, और घर का स्थिति भी देखिए, इससे कमजोर घर गांव में मिलेगा भी? शादी को लेकर भी क्या कर्ज हुआ? हाँ, वो लोग को भी पहले कर्ज था, 1,00,000 रुपया करीब कर्ज है उनके ऊपर। 1,00,000 रुपया जो कर्ज था वो बहन की शादी के लिए? जी सर। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज और परिवार पर कर्ज का जो बोझ था, उस कर्ज से परिवार को उबारने के लिए सुकेंदर बेंगलोर जा रहा था, और इस बड़े हादसे में उसकी जान चली गई है, जिससे पूरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव ही नहीं, पूरा पंचायत ही नहीं, बल्कि पूरे जमुई वासियों में इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई।